पीईजी रेशो क्या होता है, इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं और पीईजी रेशो क्यों इम्पोर्टेंट है। पीईजी रेशो एक ऐसा रेशो है जिसे आप देखने से ही ये बता सकते हो कि कोई स्टॉक अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड। पीईजी रेशो जिसकी फुल फॉर्म है प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ रेशो, ये एक वैल्यूएशन रेशो है। पीईजी रेशो हमें ये बताता है कोई कंपनी अपनी अर्निंग ग्रोथ के कंपैरिजन में ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड। जब हम पीई रेशो से कंपनी को एनालाइज करते हैं तो लो पीई रेशो वाली कंपनीज को अंडर वैल्यूड और हाई पीई रेशो वाली कंपनीज को ओवर वैल्यूड मान लेते हैं, लेकिन ये हमेशा सही नहीं होता क्योंकि अक्सर अच्छी और हाई ग्रोथ वाली कंपनीज का पीई रेशो थोड़ा ज्यादा ही होता है। ऐसे में अगर हम सिर्फ पीई रेशो को देखेंगे तो हम हमेशा अच्छी और हाई ग्रोथ वाली कंपनीज को ओवर वैल्यूड मानेंगे और हम कभी ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। मोस्टली बड़े इन्वेस्टर्स ने सबसे ज्यादा पैसा ऐसी ही हाई पीई रेशो वाली कंपनीज से बनाया है। पीई रेशो की इसी कमी को देखते हुए पीईजी रेशो की शुरुआत हुई थी। पीईजी रेशो को निकालने के लिए हम कंपनी के पीई रेशो को कंपनी की अर्निंग ग्रोथ से डिवाइड करते हैं, यानी पीईजी रेशो इज इक्वल टू पीई रेशो डिवाइडेड बाय अर्निंग ग्रोथ। अगर किसी कंपनी का पीईजी रेशो एक से कम है तो उसे जनरली अंडर वैल्यूड माना जाता है। अगर कंपनी का पीईजी रेशो एक है तो माना जाता है कि कंपनी ना तो अंडर वैल्यूड है और ना ही ओवर वैल्यूड, यानी कंपनी की वैल्यूएशन सही है। पर अगर कंपनी का पीईजी रेशो एक से ज्यादा है तो उस कंपनी को ओवर वैल्यूड माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो ए लिमिटेड और बी लिमिटेड दो कंपनीज हैं, दोनों ही कंपनीज का पीई रेशो 15 है, ए लिमिटेड की अर्निंग ग्रोथ 10% और वहीं बी लिमिटेड की अर्निंग ग्रोथ 20% है। इस केस में अगर हम दोनों कंपनीज का सिर्फ पीई रेशो से कंपैरिजन करेंगे तो हम कहेंगे कि दोनों ही कंपनीज का पीई रेशो 15 है, तो इस वजह से दोनों ही कंपनीज का वैल्यूएशन सेम है। और अगर दोनों कंपनीज के पीईजी रेशो को कंपेयर किया जाए तो हमें कुछ और ही पता चलेगा। ए लिमिटेड का पीईजी रेशो इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 1.5 होगा और बी लिमिटेड का पीईजी रेशो इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू 0.75 होगा। यहाँ पर ए लिमिटेड का पीईजी रेशो 1.5 जो एक से ज्यादा है, तो इसलिए ए लिमिटेड को पीईजी रेशो के हिसाब से ओवर वैल्यूड माना जाएगा और वही बी लिमिटेड का पीईजी रेशो 0.75 है जो एक से कम है, इसलिए बी लिमिटेड को पीईजी रेशो के हिसाब से अंडर वैल्यूड माना जाएगा। पीईजी रेशो को पीई रेशो से अच्छा इसलिए माना जाता है क्योंकि पीईजी रेशो कंपनीज की ग्रोथ का भी ध्यान रखती है और वही पीई रेशो सिर्फ कंपनीज की चीफनेस पर ध्यान देती है। पीई रेशो की इसी कमी की वजह से मोस्टली इन्वेस्टर्स ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट कर देते हैं जो कंपनीज बहुत बुरी होती हैं और टाइम के साथ और ज़्यादा बुरी होती चली जाती हैं, जिसमें हमारा पूरा इन्वेस्टमेंट डूब जाता है। किसी कंपनी के पीईजी रेशो को हम बहुत सी वेबसाइट्स के थ्रू भी चेक कर सकते हैं, हमें मैन्युअली इसे निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे स्क्रीनर रोटिन, बहुत सी स्टडीज में देखा गया कि इन्वेस्टिंग टाइम पर जिन कंपनीज का पीईजी रेशो 0 और 1 के बीच रहा उन कंपनीज ने लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए, और वहीं इन्वेस्टमेंट करते टाइम जिन कंपनीज का पीईजी रेशो 1 से ज्यादा था उन कंपनीज ने लॉन्ग टर्म में पहले केस से कम या नेगेटिव में रिटर्न्स दिए हैं। इन कंक्लूजन, किसी भी कंपनी को एनालाइज करते वक्त उसके पीईजी रेशो को भी ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन कभी भी एक पैरामीटर के बेस पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। पीईजी रेशो को भी हमें अपने पूरे एनालिसिस के वक्त एक इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरह यूज करना चाहिए, ना कि फाइनल डिसीजन लेने के लिए। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और आप इस वीडियो को आउट ऑफ 10 कितना रेट करोगे हमें कॉमेंट कर बताओ।